बचाओ। यम यम। नहीं प्लीज नहीं। पकड़ लिया। यम्मी। नहीं। ओह माफ करना, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। चिंता मत करो, सब ठीक है। तुम ठीक हो? क्या वो कौन है? हे स्पाइडरमैन, तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रहे हो? अब तुम आओ होम रेकर। मैं अब तुम नहीं बचोगी। कैया कैया, ये लो बैम। ओह बहुत देर हो गई है, सोने का समय हो गया। लड़ाई मत करो गर्ल्स, दोस्त बन जाओ। स्पाइडर्स किचन में जाओ। ओह एक कॉइन गिरा है। स्वीट ड्रीम्स टॉयज। वाओ एक कॉइन, ये बहुत कीमती है। दोस्तों गुड मॉर्निंग, अब मैं खेल सकती हूँ। क्या पॉमनी, तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? ओह दोस्तों पॉमनी को किसने मारा? केन, स्पाइडरमैन या ग्वेन स्टेसी? प्लीज नीचे कमेंट में क्रिमिनल का नाम बताएं। मुझे पता है मेरी मदद कौन कर सकता है, वो यहीं कहीं होगा। वो यहाँ है डिटेक्टिव पिकाचू। दोस्त तुम मेरे लिए इस केस को सॉल्व कर सकते हो। बेकी ब्रेकफास्ट तैयार है, आ रही हूँ मॉम। यहाँ कितना स्मोक है। हेलो मैं डिटेक्टिव पिकाचू हूँ, तुम सभी से मिलकर अच्छा लगा। मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन करूंगा। तो यहाँ क्या हुआ था? ये ओह हाँ, तो यहाँ क्राइम हुआ है। मुझे सारे क्लूज जमा करने होंगे। खैर खैर खैर, स्पाइडर वेब, ऐसा कौन कर सकता है? मुझे लगता है मैं समझ गया। पॉमिनी अच्छे से पकड़ो। रुको वो मेरा बॉयफ्रेंड है। इसका खेल खत्म, आसान था। ग्वेन के पास वजह है, जलन सब साफ नजर आ रहा है। हे डिटेक्टिव, तुम क्या सोच रहे हो? मुझे इसे अपने डिटेक्टिव नोटबुक में लिखना होगा। वो क्या है? ये क्या है? एक नया क्लू, लकड़ी का टुकड़ा। आहा, शक सारा तुम्हारी तरफ जा रहा है। केन मुझे पता है क्या हुआ होगा। मेरे अमेजिंग डिजिटल सर्कस में आपका स्वागत है। आप एक शानदार ट्रिक देखने वाले हैं, जैसे कि आप मेरी सुंदर असिस्टेंट को देख रहे हैं टड़ा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है। चलो शुरू करते हैं। नहीं बचाओ। वोइला, दो परफेक्ट हिस्से, दी अमेजिंग डिजिटल सर्कस। मुझे वावाई बहुत पसंद है। दूसरा सस्पेक्ट, झांकना बंद करो। सबसे पहले मैं तुमसे पूछताछ करूंगा। बैठ जाओ, घबराने की जरूरत नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा। मैं तुम पर लाइ डिटेक्टर लगा दूंगा और हमें पूरी सच्चाई का पता चल जाएगा। ये बस छोटा सा प्रोसीजर है। अब मुझे सब बताओ और मैं सब लिखता जाऊंगा। चिप्स सब कुछ ठीक है? तो ऐसा कुछ हुआ, मैं अपनी ड्रामेटिक एंट्रेंस की प्रैक्टिस कर रहा था टड़ा, पर तभी अचानक से स्पाइडर आ गया और वो मेरा सारा खाना खाने लगा। तुम झूठ बोल रहे हो, सच बोलो। ठीक है सच में ऐसा नहीं हुआ था। स्पाइडर बहुत अच्छे और प्यारे हैं, मैं ही खाना खा रहा था, माफ करना। डिनर के लिए शुक्रिया। तुम सच बोलोगे या नहीं? बिल्कुल बोलूंगा। जब इस वीडियो पे 50,000 लाइक हो जाएंगे तब मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा।
हुए या नहीं। हे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और सच पता लगाने में मेरी मदद करें, शुक्रिया। ठीक है, अब बताता हूँ असल में क्या हुआ। हम डिनर के बाद सफाई कर रहे थे और मैं अपने सुंदर मुंह को साफ कर रहा था, तभी पॉमनी अंदर आई। देखो मुझे क्या मिला, एक बड़ा कॉइन। खैर खैर खैर, ये लाजवाब है। वैसे आखिरकार अब मैं ट्रिप पर जा सकती हूँ। थाईलैंड, ठीक है, बाय दोस्तों, मैं तुमसे वापस आकर मिलती हूँ। मैं अभी आता हूँ। हे रुको, ये हुआ था। पैसा होने के फायदे भी हैं और नुकसान भी। अच्छा, केन बेगुनाह है, अगला सस्पेक्ट स्पाइडरमैन है। साथ देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। आउच, मैं बात नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं सुन रहा हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। अब क्या करोगे? सच में तुम्हें पता है मैं एक सुपर हीरो हूँ। ठीक है, इसके बारे में क्या ख्याल है? ठीक है ठीक है, मैं बताता हूँ। मैं बहुत जल्दी पॉमनी के पास गया। हे पॉमनी, चलो मैं तुम्हारी पैकिंग में मदद करता हूँ। मुझे मदद नहीं चाहिए। पॉमनी रुको, सुनो, रुक जाओ, रुक भी जाओ। क्या? इस तरह से जल्दी हो जाएगा। ये लो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे लिए कुछ बग्स ला सकती हो? ये थाईलैंड में बहुत फेमस है। ईयू, ये कितना गंदा है। ठीक है, शुक्रिया, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। क्या कोई इस बात को साबित कर सकता है? मुझे नहीं पता। ओह, हमारे पास फिटनेस है। सर उठें, क्या आप बता सकते हैं आपने क्या देखा था? मैंने देखा पॉमनी और स्पाइडरमैन गले मिल रहे थे और गवेन स्टेसी उन्हें देख रही थी। फिर वो सूटकेस के पास आई और उसे खोला। क्या कोई मुझे देख रहा है? हाय दोस्त। फिर उसने मेरा सिर तोड़ दिया। मुझे बस इतना ही पता है। अच्छा, स्पाइडरमैन भी बेगुनाह है। अब गवेन स्टेसी की बारी है। मदद करने के लिए शुक्रिया। मेरा सिर दोबारा नहीं। पर मैंने कुछ नहीं किया। गवेन स्टेसी ही किलर है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या हुआ था। गवेन स्पाइडरमैन और पॉमनी को गले मिलते देख रही थी और उसे बहुत जलन होने लगी। और फिर उसने अपनी तलवार से उसे बीच से काट दिया। फिर उसने कॉइन चुराया, उसे छुपाया और क्राइम सीन से भाग गई। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। मुझे यकीन नहीं होता वो ऐसा कैसे कर सकती है। 100% मुझे भी ऐसा ही लगा था। चलो चले, वो मैं नहीं थी। अब हमें उसके बैग से कॉइन निकालना है। हे, आराम से, ये उसका बैग है और इसके अंदर होगा। चलो इसे खोलते हैं। क्या स्पाइडरमैन, ये तुम्हारी तरह लग रहा है। ये प्राइवेट है, इसे वापस दो। कॉइन कहाँ है? मुझे समझ नहीं आ रहा। गवेन, नहीं। क्या गवेन स्टेसी, तुम भी टूट गई? याइक्स। नहीं दोस्त, चले जाओ, किसी ने मेरा टॉय तोड़ दिया। तो किलर कौन है? पूछताछ करने के लिए कोई नहीं मिल रहा। नहीं, परेशान मत करो। अगर वो गवेन नहीं थी और सुपरमैन नहीं था। शांत हो जाओ स्पाइडी, मेरे पास एक आइडिया है। कहीं वो तुम तो नहीं, पिकाचू? मैं? बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं, ये सही नहीं है। मैं एक डिटेक्टिव हूँ। बताओ पिकाचू, हम तुमसे सच जानना चाहते हैं। तुमने पॉमनी को कब और कहाँ मारा? चिल्लाते रहो, तुम्हें कोई नहीं सुन सकता। मुझे खोलो, बचाओ। रुको, चलो चले, मुझे छुपना होगा। ओह, टेबल के नीचे।
क्या मैं दिख रहा हूँ? फिर मेरी नोटबुक और मेरे चिप्स। नहीं, तो ये किलर है। केस सॉल्व हो गया। डिटेक्टिव पिकाचू ने दोबारा कर दिखाया। ओ, स्पाइडरमैन कहाँ है? ओ नहीं दोस्त, तो मेरे टॉयज को इसने तोड़ डाला। वो तुम थे और मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं रही थी, इसलिए तुमने ऐसा किया है ना? मुझे माफ कर दो दोस्त। बॉल पकड़ो, रुक जाओ। स्पाइडरमैन, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये लो तुम्हारा केक, आज तुम्हारा बर्थडे है। चलो कुछ दोस्तों को बुलाते हैं। पीचू और स्किबिडी टॉयलेट, तुम भी आ जाओ। चलो पार्टी शुरू करते हैं। हे दोस्तों, हम स्पाइडरमैन के बर्थडे से लाइव हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत मजा आने वाला है। मैं यहाँ हूँ, मुझे अपने हस्बैंड के पास जाने दो। सब शांत हो जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ स्पाइडरमैन, हटो। पल्स कहाँ है? ओह नहीं, मुझे लगता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हे एम्बुलेंस, जल्दी आओ। चलो देखते हैं, इसकी हालत बहुत खराब लग रही है। डॉक्टर ड्रेक रमोरे, सब ठीक तो है ना? अभी पता चल जाएगा। एनर्जी बहुत कम है। हे भगवान, अब हम क्या करें? डॉक्टर, क्या हुआ? डेफिब्रिलेटर की बैटरी खत्म हो गई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको किस चीज की जरूरत है? 50,000 लाइक्स। 50,000? हे दोस्तों, प्लीज इस वीडियो पर 50,000 लाइक्स लाने में मदद करें, जिससे कि हमारा स्पाइडी ठीक हो सके। अब कैसा है? बैटरी चार्ज हो रही है, हालांकि ये काफी स्लो है। तुम पेशेंट को परेशान कर रही हो, जल्दी ठीक हो जाओ। स्पाइडर, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम डैडी लॉन्ग लेग्स को बेवकूफ नहीं बना सकते। क्या? इसे मैं संभालूंगा। एक बैलेरीना, जरा रुको, ये गलत आउटफिट है। डिटेक्टिव लॉन्ग लेग्स इस केस को सुलझा कर रहेगा और तुम सभी सस्पेक्ट हो। तो बताओ, स्पाइडी को जहर किसने दिया? मुझे पता है, ये तुम में से ही किसी ने किया है। मैं इसका पता लगा कर रहूंगा। एक और बात, इस केस को सुलझाने में आपको मेरी मदद करनी होगी। आपको क्या लगता है, स्पाइडरमैन को जहर किसने दिया? कमेंट करके बताएं। पीचू, फ्लैश गर्ल, स्किबिडी या फिर हगी? मुझे एनर्जी की जरूरत है। ओह, मैं केक का एक स्लाइस खा लेती हूँ। शुगर से स्ट्रेस कम होता है। नहीं, क्या हुआ? तुम सबूत को नहीं खा सकती, ये सबसे पहला सबूत है। जरा रुको, समझ गया। अगर केक में जहर मिलाया गया है तो क्राइम सीन पर और भी सबूत होने चाहिए। ये रहा स्पाइडर पॉइजन का एक कैन। क्या सबूत मिला? इसके ऊपर किलर का फर चिपका हुआ है। जांच से पता चला है कि हगी किलर है। फरी और ब्लू, अपने हाथ ऊपर करो, तुम जेल जाने वाले हो। लॉ और इस विक के नाम पर कोर्ट तुमसे सबूत मांगती है। जरूर, तो कुछ ऐसा हुआ था, स्पाइडर पिन्याटा को मार रहा था और तभी हगी वहाँ से गायब हो गया। पहले तो मुझे कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन इसने किचन में घुसकर केक में जहर मिला दिया। गिल्टी। रुक जाओ, ये दर्दनाक है। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो बताओ। मेरे पास सबूत है, मैं किचन में गया था, लेकिन मैंने किसी केक में जहर नहीं मिलाया। आप सर्विलेंस फुटेज देख सकते हो, मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैं वहाँ स्नैक लेने गया था और मेरे फर गिर गए, क्योंकि हैलोवीन के ठीक बाद हगी वगी सीजन आता है। ठीक है, तुम बेकसूर हो,
आखिरकार मैंने तुम्हें कहा था। बेचारा स्पाइडी, जैसे कि किलर हमारे बीच ही है, शायद अगली शिकार मैं हो सकती हूँ। अहा, ये पीचू है। अंदर चलो, तुमसे पूछताछ करनी है। पीचू, क्या किलर इतना छोटा हो सकता है? मैंने कुछ नहीं किया। डिटेक्टिव, बताओ इसने क्या किया है? जरूर मिस्टर जज, इस छोटी पीचू को कैंडीज बहुत पसंद है, तो कुछ ऐसा हुआ था। स्पाइडी ने अपना पिन्याटा तोड़ दिया, उसमें से कैंडीज बाहर आ गई। पीचू अपने आप को नहीं रोक पाई। मैंने पिन्याटा को तोड़ दिया, चलो मजे करते हैं। तो पीचू कैंडीज के पास बिल्कुल अकेली थी और वो तब तक खाती रही जब तक उसे पता नहीं चला कि स्पाइडर स्नैक पर कुछ लगा हुआ है। छी, इसमें फ्लाइज है। ये तुम्हारे लिए नहीं थी, नॉर्मल कैंडीज बेबीज के लिए है। पीचू के साथ तुमने सही नहीं किया, पीचू को बहुत बुरा लगा था। पार्टी शुरू हो चुकी है, सभी लोग गाना गा रहे हैं हैप्पी बर्थडे। उसी समय पीचू ने स्पाइडी को इतनी जोर से झटका दिया कि वो वापस उठ ही नहीं पाया। क्या ये सच है? मेरे पास सबूत है मिस्टर जज, जब लाइट गई थी उस समय मैं अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिली। आप इस वीडियो में साफ देख सकते हो। क्या तुम समझ गए बेवकूफ डिटेक्टिव? देखो मिस्टर जज, नॉट गिल्टी, तुम जा सकती हो। हाँ, खुशी से। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हो, मैं जेल जाने वाली थी। ये किसने किया है? खैर खैर खैर, स्किबिडी टॉयलेट अपनी सीट के अंदर कुछ छुपा रहा है। ये क्या है? ओह, एक स्पाइडरमैन सूट। ये बहुत बड़ा सबूत है, ये सही नहीं है। टॉयलेट पकड़ा गया, फ्लैश गर्ल बेहोश हो गई। जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने कुछ नहीं किया, ये स्किबिडी टॉयलेट ने किया है। जल्दी करो। गिल्टी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं बताता हूँ, मैं हमेशा से स्किबिडी स्पाइडर टॉयलेट सुपर हीरो बनना चाहता था। मैं चाहता था कि कोई रेडियो एक्टिव स्पाइडर मुझे काट ले। मैं हमेशा से मुश्किल में पड़ी एक लड़की को बचाना चाहता था। बचाओ मेरा पर्स। तुम मेरे सुपर स्ट्रेंथ से बचो। ये वो स्किबिडी स्पाइडर टॉयलेट, तुम मेरे हीरो हो। हाँ? क्या सुपर हीरो बनना एक बहुत बड़ा सपना था। तो सुनो, मैं ऐसे ही बैठा था, तभी अचानक से एक स्पाइडर दिखाई देती है। चलो भी काटो। बदकिस्मती से वो बस एक आम स्पाइडर निकली। मैंने उसे वजन बढ़ाने के लिए मजबूर किया। मैंने उसे बहुत सारे क्रम्स भी दिए। मैं उसका बहुत ध्यान रख रहा था। बहुत हुआ, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम उसे मारना चाहते थे। मुझे तुम्हारी कहानी पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। खैर, ये सब बकवास है। ठीक है, मैं सबूत को बुलाता हूँ। क्या? वहाँ एक स्पाइडर है। इस शहर को नए हीरो की जरूरत है, स्किबिडी टॉयलेट। ठीक है फिर, ये तय हो गया है। बाय डिटेक्टिव। ये तो अजीब है, टॉयलेट ने भी कुछ नहीं किया। 50,000 लाइक्स, हो गया क्लियर। मैं जिंदा हूँ, शुक्रिया डॉक्टर। तो मुझे किसने मारा था? ये बच गया। तो कौन बचा है? तुम लोग पागल हो गए हो। मैं उससे प्यार करती थी, ये सब जज को बताना। ये मैंने नहीं किया,
इन्होंने किया होगा। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि ये मैंने किया है? क्या मैंने कुछ मिस कर दिया? तुम हनी, तो क्या तुम जिंदा हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तुम पर विश्वास किया था और तुमने मुझे जहर दे दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर ये यहाँ है तो वो कहाँ? शांत हो जाओ, इसने किया है। स्पाइडी? मैं? हाँ, तुम स्पाइडी नहीं हो। स्पॉट, इसका क्या मतलब है? बैठो, हम जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था। तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। बताओ, तुमने स्पाइडरमैन के साथ क्या किया? ठीक है, मैं सच बताता हूँ। मैं स्पाइडी के घर आया था। कौन है तुम? बात ये है कि उसे मुझे देखकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। बेचारा यार, तुम बहुत भारी हो। तुमने कितनी फ्लाइज खाई थी? ओ, ठीक है, पोर्टल। फिर मैंने सही सूट चुना। और उसके सारे गिफ्ट ले लिए। मैं समझ गया, असली स्पाइडरमैन कहाँ है? वहाँ, काउच में। ये सच में गिल्टी है। गिल्टी। फ्यू, ये रहा स्पाइडी। तो केक में जहर किसने मिलाया था? अच्छा सवाल है। ये मैंने नहीं किया, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एक मिनट, हमें पॉइजन कैन से फिंगरप्रिंट्स लेने होंगे। मैं सबके प्रिंट्स मिलाऊंगा और असली क्रिमिनल का पता लगाऊंगा। तुम सब जा सकते हो। क्राइम सीन को खाली करो। बाहर जाओ। अहां, ये तो मॉमी लॉन्ग लेग्स है। तो केक में जहर तुमने मिलाया था? हाँ, ये मैंने ही किया था, क्योंकि किसी ने मुझे पार्टी में नहीं बुलाया। तुम मुझे भूल गए थे। ये कैसे हो सकता है? तुमने मॉमी को क्यों नहीं बुलाया? खैर, हनी, क्या तुम्हें याद है? आज तुम्हारा बर्थडे है और अब तुम भी इनवाइटेड नहीं हो। मॉमी, हैप्पी बर्थडे डैडी। बर्थडे से मुझे नफरत है। अच्छी बात ये है कि मैं टर्की खा सकता हूँ। हाथ हटाओ, ये गेस्ट के लिए है। हे भगवान, मैं गम लेमोनेड के बारे में तो भूल ही गई थी। मैं अभी आती हूँ। इसे सब्र नहीं है। अच्छा है कि मैं टर्की खा सकता हूँ। अपनी लंबी बाजुओं को काबू में रखो। ओह, गेस्ट आ चुके हैं। गेस्ट, 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 जैसे कि कोई पेस्ट। ओह हागी, हे मेरे फजी दोस्त, कैसे हो दोस्त? बहुत दिनों बाद मिले हो। हे, ठीक है, किचन में आओ ब्रो। तुम भी आओ। आओ बैठो दोस्तों। वैसे यहाँ बस एक ही चेयर है। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। क्या ये मेरे लिए है? वो क्या है? मामा लॉन्ग लेग्स मिया, एक गम बॉल। इसके अंदर शहर के हर हिस्से की च्युइंग गम है। रुको जरा, अब ठीक है। ये रहा मेरा गिफ्ट डैडी, तुम्हें पसंद आएगा। हाँ, शुक्रिया। हैप्पी बर्थडे डैडी। बर्थडे? और मेरे पास कोई गिफ्ट नहीं है। वैसे कॉलेज में मेरे पास ये बॉल हुआ करती थी। आजकल गम के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं। हटो यहाँ से, उठो बैन बैन, ये मेरी जगह है। हैप्पी बर्थडे डैडी। वाह, ये गिफ्ट बहुत बड़ा है। अंदर क्या है? एक गोल्डन एग। वाओ,
ये सबसे बेस्ट गिफ्ट है। मैं इसे ऐसी जगह रख देता हूँ ताकि सब देख पाए। कौन है? ओ डैडी, मैं बस तुम्हें बुलाने आया हूँ, जल्दी करो। खैर दोस्तों, अब खाने की बारी है। सभी के लिए फ्रेश गम। यम यम। ओ पीला, तुम भी खाओ। नहीं चाहिए, मैं स्पेशल डाइट पर हूँ। क्या? मुझे नहीं लगता कि उसे पता है कि ये फ्राइड लेग्स कहाँ से आती हैं। ठीक है, मजे से खाओ दोस्तों। हगी, क्या तुमने पिछली हगी बॉल गेम देखी थी? उप्स, मुझे माफ करना। मेरी अच्छी सेहत के लिए चीयर्स करो। ये हैप्पी बर्थडे टू मी। हैप्पी बर्थडे। दोस्तों मैं एक सेकंड में आया, ऑफिस से फोन है, बात करनी होगी। उप्स, गम फंस गई है, मेरे पेट में गड़बड़ हो रही है। उस तरफ जाओ। ठंड लग रही है, मैं अपना फर कोट लेकर आती हूँ। मेरा मतलब तूने पहले से ही फर कोट पहना हुआ है। क्या सब चले गए? क्या मैं अकेला हूँ? आह कोई बात नहीं, मैं सारी गम खुद ही खा लूंगा। कुछ हुआ है? अंडा। क्या हुआ? क्या आप ठीक हैं? मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरा अंडा चोरी हो गया। इसके पीछे कौन है? ये है। नहीं, ये है। रुक जाओ, मैं ये केस सुलझा लूंगा, नहीं तो मैं अपने आप को पॉपी प्ले टाइम का बेस्ट डिटेक्टिव नहीं कह पाऊंगा। मैं पता लगा लूंगा कि तुम में से किसने मेरा कीमती अंडा चुराया है। उससे पहले मैं दरवाजे को बंद कर दूंगा ताकि कोई भाग ना सके। दोस्तों क्या आपको डोर कोड याद है? नीचे कमेंट करें। मेरे नोट्स को मत देखो। शू, हगी, अंडा तुमने चुराया है, अब मान भी लो, मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ। क्या? ओपिला, थोड़ा शांत हो जाओ, बैठ जाओ, तुम्हारी बारी भी आएगी। तुम सब पर शक है, पर मेरा कीमती अंडा चुराने में सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? ओपिला, बैन बैन, हगी वगी, आपको क्या लगता है इतनी बड़ी चोरी किसने की होगी? चोर को ढूंढने में मेरी मदद करें और नीचे कमेंट में अपना जवाब लिखें। हम तुमसे शुरू करेंगे हगी, तुम्हें एक लाई डिटेक्टर से जोड़ेंगे। अब मुझे सब सच बता दो। खैर थोड़ी देर बात करते हैं हगी वगी, मान जाओ। क्या टॉयलेट पेपर तुमने चोरी किया था? नहीं, झूठ। ठीक है, इसे वापस ले लो। हाँ, मुझे पता था। अगला सवाल, क्या तुमने स्लिपर्स को चबाया था? मैंने नहीं, ये झूठ है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या तुमने गोल्डन अंडे को चोरी किया है? मैंने नहीं, नहीं, मैंने नहीं किया। तुम सच बोल रहे हो, हे भगवान। पर डिटेक्टिव डैडी कभी हार नहीं मानता। तुम दोपहर के 3:05 पर कहाँ थे, मुझे बताओ। हे भगवान। चलो डैडी, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। देखो, तुम्हारे यहाँ निगरानी के लिए कैमरा है, तुम खुद देख सकते हो कि 3:05 पर मैं क्या कर रहा था। मैं फोन पर बात कर रहा था, इसमें कोई शक नहीं है। हमें एक चीज तो पता है, कमरे में से किसी ने तो मेरा गोल्डन एग चुराया है और अब वो सामने नहीं आ रहा। मैं कैसे पता लगाऊं कि ये किसने किया है? ओह हाँ, एक बहुत अच्छा तरीका है। इनी मीनी माइनी मो, बैन बैन को जल्दी से पकड़ो। मेरा अंडा तुमने चोरी किया है। नहीं, वो मैं नहीं था। सारे सबूत तुम्हारी ओर इशारा कर रहे हैं। नहीं, नाटक करना बंद करो पिला।
इंसाफ जरूर होगा, चिंता मत करो। खैर तो ये सब ऐसे हुआ, हम मेरा बर्थडे मना रहे थे, तभी अचानक से हैप्पी बर्थडे डैडी, हैप्पी बर्थडे डैडी। खैर खैर खैर, घड़ी पर 3:05 का टाइम हुआ और हगी फोन कॉल करने के लिए गया। तुमने हमारी अच्छाई का फायदा उठाने के लिए बीमार होने का नाटक किया, तुम रूम से बाहर गए, मैं लिख लेता हूँ, तुम्हारे पीछे चलते हैं। तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें हगी मिलेगा। पर फिर भी तुम रूम में गए, उसके बाद तुम्हारे अंदर का विलेन बाहर आ गया। तुमने अंडा पकड़ा, उसे पिलो में छुपाया, साफ है और कहां छुपाओगे, सोची समझी साजिश। आह, फ्यू, डैडी देखो मत, सब साफ है, ये बहुत आसान था। तो बैन बैन ने अंडा चुराया और उसे पिलो में डाल दिया। तुम एक मुजरिम हो क्या? नहीं, झूठ मत बोलो मिस्टर, तुम चोर हो और मैं साबित कर दूंगा। ये रहा सबसे बड़ा सबूत, बैन बैन ने इसी पिलो में अंडा छुपाया था। ये क्या झोल है, यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, मैंने शायद सोचने में गलती कर दी। अगर हम बैन बैन और हगी वगी को भूल जाएं, तो शक एक ही जगह पर जाता है, ये ओपिला ने किया है। क्या? नहीं, मैं अपना खुद का अंडा क्यों चुराऊंगी? इसका जवाब बहुत आसान है, जवाब इस फोल्डर में है। प्यारी बर्ड, तुम्हारे पास अंडे के लिए $1,000,000 का इंश्योरेंस है, तो ये तुम्हारा मास्टर प्लान था, अपना अंडा खुद चुराना, पैसे लेना और दुनिया की सबसे अमीर बर्ड बन जाना। ये साफ है, वो तुम ही थी बर्डी। बर्ड्स लड़ना बंद करो, मैं बताता हूँ क्या हुआ था। हम बर्थडे पार्टी कर रहे थे, 3:05 पर हगी फोन कॉल करने के लिए बाहर गया। उसके बाद बैन बैन अपने पेट का मामला सुलझाने बाहर गया और ओपिला ने ठंड लगने का नाटक किया क्योंकि उसे अपने कपड़े बदलने थे। विश्वास नहीं हो रहा, मेरी तुम पर नजर है डैडी। तुमने जल्दी से हॉल में कोट पहना, पर आखिर तुम लिविंग रूम की तरफ क्यों भागी? इसलिए ताकि लेपर्ड के कपड़ों में तुम्हें कोई पहचान ना पाए। फिर तुम अंडा चुराने के लिए भागी। बिंगो, तुम इतिहास में पहली $1,000,000 बर्ड बनना चाहती थी। ओ ना समझ बर्ड, तुम बहुत खुश थी। अगर तुम डैडी लॉन्ग लेग्स को हराना चाहते हो तो थोड़ा और चालाक बनना होगा। केस बस सुलझ नहीं वाला है, ये तुमने किया है ओपिला, सबूत यही इशारा कर रहे हैं। नहीं, वो मैं नहीं थी। लेपर्ड वाला सबूत, अब हमें बस अंडा ढूंढना है। वो बॉक्स में है? नहीं। ओ, सूटकेस में। यहाँ भी नहीं है, तो फिर बैकपैक में होगा। क्या, एक अमीर चिकन को कैसे ढूंढे? इसे वापस दो, ये पर्सनल है। ओपिला की थ्योरी भी गलत साबित हो गई। मैं क्या गलती कर रहा हूँ? तो अंडा किसने चुराया है? जवाब हमारे सामने है, हम सब मिलकर सोचते हैं। अंडा अपने आप तो गायब नहीं हो सकता। बहुत हुआ, मैं परेशान हो चुका हूँ, मैं बेकसूर हूँ और तुम भी। हम सबको घर जाना है, उठो और चलो दोस्तों। एक सेकंड रुको, ये क्या है? बहुत सारे कोइंसिडेंस हैं। रुको, सब लोग वापस आओ, शायद ये किसी और ने किया है। किसी में सी वो कैसे कर सकती है?
आह, ये अच्छा सवाल है। वो यहीं पर है, हगी वगी के अंदर। तुम भाग नहीं सकती बेबी। तुम्हारा खेल खत्म किसी से। मुझे पहले से ही शक था। क्या कोई भरोसेमंद नहीं है? ओह नहीं, मैं पकड़ी गई। जीनियस डिटेक्टिव डैडी लॉन्ग लेग्स तुम्हें बताएगा कि क्या हुआ था। किसी मिसी की गोल्डन अंडे पर नजर थी और हगी वगी ने इसमें उसका साथ दिया। उन्होंने एक प्लान बनाया। किसी ने अपने आप को ब्लू बना लिया। उसके बाद उसने हगी वगी को फोन पर सिग्नल दिया कि सब तैयार है और वो शुरू कर सकते हैं। जब ब्लू किसी मिसी फोन पर बात कर रही थी, तब असली हगी वगी अंडा चुराने के लिए कमरे में गया। शातिर प्लान था किसी, पर मेरे जितना शातिर नहीं। और मेरी बात को साबित करने के लिए ये रहा असली हगी वगी। हे, ऐसा नहीं हो सकता। अब तुम कुछ चोरी नहीं कर पाओगे। मेरे पास गम नेड है। बढ़िया टाइमिंग है, शुक्रिया। गेस्ट कहाँ है? सब चले गए, लंबी कहानी है। ओह, ये क्या है? ये मेरा गिफ्ट है। मेरे पास एक आइडिया है, चलो चलते हैं डैडी। मैं थक गया, बाद में चलेंगे। चलो भी, बहुत मजा आएगा।